हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। डियर, कुछ कुछ इसमें देख पा रहे होंगे आप, इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी में पूछा हुआ है। तो आप लोग के लिए डियर, सभी स्टेट के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, साथ में इग्नू वाला भी है, और इग्नू का भी एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, जो कर रहे होंगे तैयारी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितने डेली बेसिस पे क्लासेस दिए जा रहे हैं सभी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और जो डियर एमपी से हैं, जिनका एग्जाम अभी 26 को होने वाले, 26 अक्टूबर 2024 में, तो उनके लिए डियर क्लासेस ही इम्पोर्टेंट है। अगर पैडेबल क्लास लेते हैं तो आपको वहाँ पे सारी कंटेंट दी जा रही है, उसमें टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, उसमें टेस्ट सीरीज के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको ऐप पे पीडीएफ दे दिया जा रहा है। आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिल रही हैं डियर, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज दिए जा रहे हैं। ओनली 1500 चार्जेस में, 1500 रुपये में आपको सब कुछ दिए जा रहे हैं। तो आप डेफिनेटली क्लास को ही ज्वाइन कीजिए डियर, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में तो बहुत सारे वैसे वीडियो नहीं है जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट ठीक ठाक है डियर। आप इसको भी वीडियो देख सकते हैं, पूरी वीडियो को आप जितने भी अपलोड किया गया है। और डियर, ये वीडियो आपको आपके तक पहुंच पा रहा है, आपको मिला है एमपी से आप हैं या फिर किसी भी स्टेट से हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, ताकि सभी को पता चले कि एकमात्र चैनल यूट्यूब पे है जो वेद नर्सिंग क्लासेस चैनल है, जहाँ पे सभी स्टेट के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है और पैडेबल क्लास भी होती है। डियर, यदि आप लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2025 पे आना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर। 1 साल तक यदि आप पढ़ेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे कहने पे चलेंगे, मेरे गाइडेंस के अनुसार चलेंगे डियर, डेफिनेटली है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चाहे आप केरला से हो, चाहे आप आंध्रा से हो, चाहे हैदराबाद से हो, चाहे यूपी से, बिहार से, एमपी से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, किसी भी स्टेट से आप हैं, तो आपको क्या होगा कि आपको उसमें गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली 110% आपको मिलेगी डियर, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्लासेस में ज्यादा बेहतर रहेगा डियर आपको ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको बताया जाएगा, गाइडेंस किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी 8th क्लास है डियर, 7 नंबर तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और ये आपका 8वां है, जिसमें पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब के कार्य निम्नलिखित है, ये पूछा, आंसर भी शो हो रहा है डियर। ये आपका इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें से राइट आंसर आपका पहले से ही शो हो चुका है, जिसका डी आंसर है। क्या आ रहा है इसमें, डी आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शंस में क्या क्या था, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी में हेल्प इन फिटस डेवलपमेंट, सी में एक्ट एज ए पैसेज वे फॉर फिटस, और डी में मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज ओवम। यहाँ पे फंक्शन पूछा था फॉलोपियन ट्यूब का, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी जाएगा डियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कि फर्टिलाइजेशन अकर इन विच एरिया, निषेचन किस क्षेत्र में होता है, ओवरी में होता है, एम्पूला में होता है, फॉलोपियन ट्यूब, या यूट्रस में होता है, या वेजिना में होता है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा डियर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, एम्पूला में, एम्पूला ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, फॉलोपियन ट्यूब में होती है, जिसमें आपका यदि मोस्ट कॉमन पूछा गया तो एम्पूला होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। ये भी आपका इग्नू में पूछा है 2014 में, डीएसएसबी में भी पूछा था, देख लीजिए एमएससी नर्सिंग में भी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यहाँ पे इंटरफेस किया है कि एक्सरे स्टडी ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब इज नॉन एज, फॉलोपियन ट्यूब का एक्सरे के अध्ययन क्या कहलाता है, सल्पिंजोग्राफी कहलाएगा, या माइलोग्राफी कहलाएगा, या फिर देखिएगा कॉलिसोस्टोमी कहलाएगा, या पाइलोग्राफी कहलाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा डियर आपका सल्पिंजो ग्राफी होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है ना, ये भी आरयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नॉन एज, एंडोमेट्रियम के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि गर्भावस्थाओं में एंडोमेट्रियम को किस इस रूप में जाना जाता है, डेसिडुआ, या फिर डेसुबाइटस, या फिर ट्रोपोब्लास्ट, या फिर ग्रेविड एंडोमेट्रियम, तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, डेसिडुआ। ठीक है ना, डेसिडुआ।
प्रेगनेंसी, जितने प्रेग्नेंट यूट्रस होते हैं वो भी डियर आपका डेसिडुआ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओवुलेशन अकर, ओवुलेशन होता है द 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंसुरेशन या 1 वीक आफ्टर मेंसुरेशन या 1 वीक बिफोर मेंसुरेशन होगा या 28 डेज आफ्टर मेंसुरेशन। ये आपका ओवुलेशन वाला क्वेश्चन एक बार नहीं डियर, कितने बार पूछा है और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए हैं, जितना भी एम्स हो या फिर आरआरबी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने अपने अपने स्टेट में परमानेंट की वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनएचएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डियर मेरे यहाँ आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ एनएचएम का भी प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिन स्टेट में भी एनएचएम की वैकेंसी आ रखी है आप लोग डेफिनेटली मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डियर बहुत ही न्यूनतम चार्ज रखा गया है कैडरेबल क्लास की, आप कॉन्टेक्ट नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिएगा यदि आपको ज्वाइन करना है, आपके फ्रेंड सर्कल आपके साथ है तो आप लोग को फी भी ठीक ठाक रखा जाएगा। डियर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा दी जाएंगी, क्योंकि डियर क्या होता है, हम तो नर्सिंग कोर्स तो कर लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए जीएनएम कर लिया मैंने या बीएससी कर लिया, बट मेरे अकॉर्डिंग टू एज ही वैकेंसी आएगा ना डियर, 37 ईयर्स तक आप एज में वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, जो भी वैकेंसी आती है फॉर्म फिल कर सकते हैं, यदि 37 आईएएस आपको क्रॉस कर जाए फिर क्या मतलब रहा हमें पैसे लगाने का पढ़ने का, क्योंकि मैंने जीएनएम कर रखा है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट का, बहुत सारा स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि मैम मैं लास्ट में क्या करूँ, है ना, तो आपके समय रहते यदि एज आपके पास ठीक है, यदि बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, कहीं ना कहीं कोर्स लीजिए डियर और अपना गवर्नमेंट जॉब लीजिए, यदि आपने पढ़ा है तो कुछ पाने के लिए ही कुछ, ठीक है हम मेहनत करते हैं तो कुछ तो पाने के लिए करते हैं, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए करते हैं। तो डियर आप अपने जो भी है क्लासेस को परचेज कीजिए या फिर अपने थ्योरी जो नोट्स बनाए होंगे आप बीएससी में जीएनएम में, उसको प्रॉपर वे से पढ़िए डियर, ठीक है। इसके लिए ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जो सीएचओ में सीएचओ बनना चाहते हैं, जो एनएचएम की क्लासेस, जो पोस्ट बेसिक बीएससी निकालना चाहते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट में मिलेगा डियर यदि आप मेरे क्लास लेते हैं तो। 5वां नंबर में राइट आंसर आपको किया जाएगा, देखिए 5 नंबर में भी आपका 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंसुरेशन होगा, तो राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेप्ट, एस्ट्रोजन का फंक्शन पूछा डियर, हमारे टर्म मेन काइंड्स ऑफ हार्मोन है जिसमें से एक एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, इसमें फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है डियर कि 3 ऑप्शन इसके रिगार्डिंग होगा, जो आपके फंक्शन पूछा गया, एस्ट्रोजन का कार्य पूछा गया, लेकिन एक को छोड़कर उसको एक को बाहर कर देंगे, है ना। तो ऑप्शन सी में कॉजेज ब्रेस्ट ग्रोथ, बी में इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट, सी में कॉजेज इनहिबिशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डी में लोअर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, 2015 में इग्नू में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें से आपका ये बाहर निकलेगा ऑप्शन डी, जो आपका इसमें आएगा डियर लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, डी आंसर इसमें करेक्ट होगा। 7 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन ने पूछा है डियर कि विच हार्मोन, यहाँ पे देखिएगा विच हार्मोन स्टिमुलेट मैचुरेशन, ओसाइट मैचुरेशन, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया डियर यहाँ पे, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ओसाइट मैचुरेशन, ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन मतलब ये परिपक्व करता है ओसाइट मैचुरेशन के लिए, तो जीएनआरएच होगा, एलएच होगा, या फिर आपके पास एलएचआरएफ है या फिर एफएसएच है, ठीक है ना डियर। तो इसमें डियर 2 हार्मोन होते हैं जो ओसाइट करते हैं मैचुरेशन के लिए, ओसाइट मैचुरेशन स्टिमुलेट करता है हार्मोन को, जो राइट आंसर इसमें डियर आपका ऑप्शन डी दिया, एफएसएस, और एलएच भी होता है, ये सेकेंडरी होता है डियर, यदि अदर्स में पूछेगा ना तो राइट करना, यदि दोनों ऑप्शन रहते हैं तो आपका ऑप्शन डी जाएगा, इसमें राइट आंसर डी होगा एफएसएस, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 8 नंबर में आपका क्या कह रहा है, द कॉर्पस लूटियम फंक्शनल एक्टिव अप टू प्रेगनेंसी एज, गर्भावस्था तक कॉर्पस लूटियम कार्यात्मक रूप से सक्रिय रहता है, 10 to 12 वीक्स या फिर 4 to 6 वीक्स या 2 to 4 वीक्स या 8 to 8 वीक्स, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा डियर, तो कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन ए होगा डियर इसमें, देखिए करेक्ट ऑप्शन ए है, ये भी आपका आरयूएचएस पोस्ट बीएससी में पूछा गया है और ईएसआईसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर, दो दो जगह पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में देखिएगा, बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शंस द कॉर्पस लूटियम इज द प्राइमरी सोर्सेस फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, प्लेसेंटा के कार्य करने से पहले कॉर्पस लूटियम निम्नलिखित में से किस हार्मोन का संश्लेषण का प्राथमिक स्रोत है, तो थायरोक्सिन होगा डियर, एफएसएच होगा, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन होगा,
या T4 TSH होगा। तो राइट आंसर 9 नंबर में आपका जो होने वाला डियर ऑप्शन सी होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट डियर जो आपके लिए है डियर 10 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है। द स्क्रीनिंग कैंसर, आपका आंसर पहले सो हो गया डियर। चलिए, स्क्रीनिंग कैंसर डिटेक्शन टेस्ट 40 मोस्ट कॉमन कैंसर इन हॉमिनिड्स। महिलाओं में सबसे आम कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कैंसर डिटेक्शन टेस्ट है, बायोप्सी एंड सर्वाइकल टिश्यू, या डायलोटेशन एंड क्यूरेटेज, या पॉजिटिव देखिए घंस टेस्ट, या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो हम लोग के लिए डियर जो एवरी मंथ कर सकते हैं आप वॉशरूम में या फिर नहाने के टाइम में, या जब भी डियर बाथिंग के टाइम में, या फिर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मंथ में एक बार हम लोग अपने से कर सकते हैं, ये होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो अपने से हम कर सकते हैं। उसकी एक टेक्निक है डियर, जो कि 6 टाइप्स के हैं आपका, 6 प्रकार से किया जाता है, 5 या 6 आपका प्रकार है जिसे हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डी आंसर इसमें सही होगा डियर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए डिटेक्शन के लिए हमारा सबसे बढ़िया है कि अपने आप सेल्फ एग्जामिनेशन हम कर सकें। तो ये थी क्लासेस डियर आज की, 8 क्लासेस, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी 9 में। तो आप लोग एग्जाम से पहले तक वीडियो अपलोड किए जाएंगे डियर। एक दो दिन से इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि कोई कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इशू आ चुकी थी साइट्स में डियर, जो कि हम अपलोड करते हैं वहीं से, इसी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाया है। तो आप डेली बेसिस पे मिलेगा डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं बोलना चाहूंगी डियर, आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। क्लासेस में सारे कुछ दिए जा रहे हैं डियर, सारी सुविधाएं मिल रही है आपको जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डेफिनेटली आप क्लास ज्वाइन कीजिए, फटाफट कॉल करके क्लास को लीजिए, ताकि आपके पास अभी भी टाइम है डियर, अभी भी मैं बोल रही हूँ आपके पास टाइम है, आप मेहनत कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।